गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी स्पंदा एंड लाइफ स्टाइल। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, आज है मंडे और 9:30 हो गए। परी सुबह 7:30 बजे उठ गई थी, अभी थोड़ा सा फिर से एक नैप ले रही है। तो इस टाइम पर मैं थोड़ा सा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज परी ब्रेकफास्ट पे खाएगी ओट्स पोरिज। बस पानी में ओट्स को बॉयल करूँगी और उसको मैश्ड बनाने के साथ मिक्स करके फिर खिलाऊँगी। तो ओट्स उसे पसंद ही आता है, कभी कभी सूजी खिलाती हूँ फिर ओट्स ब्रेकफास्ट पे। उसे सब कुछ पसंद आता है, बस एप्पल प्यूरी उसे पसंद नहीं है। और आज हम खाएंगे ब्रेकफास्ट पे रोटी एंड सब्जी, एक बनाया हुआ है झींगे को क्या कहते हैं, तुरई और आलू की सब्जी के साथ ब्रेकफास्ट पे। और लंच पे शायद फिश होगा, पापा गए हैं बाजार पे फिश लाने के लिए। तो आजकल उतना फिश अवेलेबल होता नहीं है क्योंकि शायद ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो लोकल फिश जो मिलता है वही, मतलब जल्दी जल्दी पे सुबह सुबह सब आके ले जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो पापा भी गए हैं, देखते अच्छा फिश मिले तो लाएंगे। और वैसे भी परसों सैटरडे था, हम लोग चिकन खाए थे, चिकन बिरयानी मैंने बनाया था, मैंने ब्लॉग भी एक बनाया था पर आधा बना के फिर बनाना नहीं हुआ क्योंकि अरिंदम का भी थोड़ा सा तबीयत खराब था। तो अगर मूड ना हो तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ ब्लॉग बनाऊंगी, रोज सुबह उठ के सोचती हूँ ब्लॉग बनाऊंगी, पर अगर मूड खराब हो जाए फिर बनाने का मन नहीं करता। ट्रेन जा रही है पास से, शायद आप लोग का आवाज़ सुने नहीं। तो चलिए मिलती ब्रेकफास्ट के टेबल पर। और आज सुबह सुबह इतना गर्मी है और बाहर इतना ज़्यादा धूप है, देखिए। जब ज़्यादा बारिश होती तब लगता है ऐसा आसमान हो तो कितना अच्छा होता है, पर जब रेगुलर धूप होती है तब और अच्छा नहीं लगता, लगता है प्लीज़ बारिश हो जाए थोड़ा सा। कल रात को थोड़ा बारिश हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा पानी जम गया। थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, शायद 2 मिनट के लिए होती है बारिश, एकदम भड़ाक से आती है बारिश और पावर कट हो जाती है, फिर बारिश भी ख़त्म हो जाती है और गर्मी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आओ तो पूरा अच्छी तरह से आओ, नहीं तो मत आओ। और इतनी सी बारिश के लिए पावर कट करने की क्या ज़रूरत है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और परी का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो परी फिर से सो रही है। आप लोग सोचेंगे परी कितना सोती है। एक्चुअली जब वो सोती है तभी मुझे ब्लॉग करने का मौका मिलता है, नहीं तो वो गोदी गोदी में रहना पसंद करती है हर वक्त। उससे आजकल ऐसा हो गया, जिसके पास भी जाते हैं थोड़ी देर बाद उसका मम्मी चाहिए, थोड़ी देर बाद माँ कहती रहती है। तो आज फिश लाए है, टेंगड़ा फिश, वन ऑफ माई फेवरेट फिश है टेंगड़ा, छोटा छोटा इतना साइज का है। तो उसे मूली के साथ बनाया जाएगा, एक बंगाली बहुत ही मतलब पुराना एक डिश है ये, मूली के साथ टेंगड़ा फिश। और ये वाला डिश मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वही मम्मी बना रही है। तो एक साथ मिक्स करके, मतलब उसे फिश को फ्राई नहीं करते, उस फिश में ही मूली फिर प्याज ग्रीन चिली सब काट के मसाला मिला के एक साथ मैरिनेट करके डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के ढक के रख देते। तो वही क्या बोलते हैं,
स्टीम होते होते बॉयल हो जाता है और फिश करी भी बन जाती है। मतलब वो ग्रेवी ग्रेवी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग माछर झोल खाते हैं इसलिए हर चीज़ मतलब पतला ग्रेवी होता है, वैसा नहीं है। ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा होता है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ग्रेवी रहेगा। और ये विंटर के सीज़न में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तब वो धनिया पत्ता मिलता है ना, कि सीजनल जो धनिया पत्ता होता है वो मिलता है। यहाँ पर अभी गर्मी में नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर एक धनिया पत्ता का रेप्लिका मिलता है, नागा धनिया बोलते हैं वो, शायद नॉर्थ ईस्ट पर मिलता है, बाहर नहीं मिलता है, या बंगाल साइड में मिलता है मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं सुना नहीं कभी। वो नागा धनिया मैंने पूछा है, मतलब पड़ोसी के घर में है तो वो लाके डालने के लिए, तो देखते हैं। अभी कोविड की वजह से किसी के घर में जा भी नहीं सकते, तो फ़ोन करके पूछेंगे, अगर दे के जाएंगे तो ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पर इतना धूप है, एक अच्छा चीज़ है वो पड़ी का बी फिर मांस वगैरह धो के यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिश करी को ढक के रख दिया है, मैं थोड़ा ढीले बात करी क्योंकि परी सो रही है और मैं इसी चांस पे थोड़ा नहा के आ जाती हूँ परी उठने से पहले। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सोने गई थी तभी ये सो रही थी, मैं जब बिस्तर में उठी तब उठ गई। बस मैं अभी इसे दोपहर से लेके घूम रही हूँ, अभी 5:30 बज चुके हैं। ऐसे कर करके मेरा दोपहर का सोना नहीं होता, मेरा एक मतलब आदत था दोपहर का सोने का, आजकल वो भी नहीं होता इस लड़की की वजह से, एक बदमाश दुष्ट लड़की। की देख छो तुम्हें कैमरा देख छो दुष्टु में आई तुष्टु में हाँ से अबर बजा आई एम दुष्टु बोलो आई एम दुष्टु मामा के गुनु करते रहे मैं दुष्टु में। तो अभी 5:30 बज चुके हैं, तो चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, ऐसे करके मेरे तो पैर का सोना नहीं हो रहा है आजकल। तो चलिए शाम को मैं अभी चाय बनाने जाऊंगी, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, क्या करूँ अकेले अकेले ऐसे ही, बस कब से वॉक कर रही, बैठने भी नहीं दे रही थी ये। चलिए मिलती हूँ बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल मैंने एक नया रेसिपी ट्राई किया था शाम को, मैंगो खीर, जो मैंने पहली बार बनाया, लेकिन हमारे घर पे मतलब यहाँ पर भी और मेरा मायके में भी ये बनती है जब मैंगो का सीज़न होता है। तो मैंने बनाया था मैंगो खीर यानी आमेर पायस, आई होप आप लोगों को सभी को पता है। और वो रेसिपी मैंने शूट किया है, तो इस ब्लॉग में मैं नहीं दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेसिपी वाला ब्लॉग दूंगी।
मेरा ये रेसिपी देखने के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।